हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। कोल इंडिया एग्जाम 2022 मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल का आज कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड रिजल्ट डेट जो कि 7 सितंबर को आप लोगों का भी एग्जाम हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका बहुत सारा कॉल्स आ रहा, फ़ोन आ रहा, मैसेज आ रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं कि लीगल का कट ऑफ बताने के लिए। जैसे आप लोग को पता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो रहता है वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और एचआर का। फिलहाल ये दो ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, एचआर और मैकेनिकल का। बट हमें नहीं पता था कि हमारे इतने ज़्यादा स्टूडेंट लीगल के भी हो गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किए हैं। ठीक है, बट इनके लिए अभी हमने कुछ भी प्रोवाइड आप लोग के लिए नहीं कर पाए थे, मॉक टेस्ट वगैरह। बट नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग का जो कमेंट्स आया था ना, उससे एक प्रेशर बना कि आप लोगों का भी कटअप बताया जाए। तो काफ़ी एनालिसिस करने में टाइम लगा है। जैसे एचआर का कटअप बताने में इतना हमें टाइम नहीं लगा, बहुत सारे स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट में हैं हम, बट लीगल के लिए बहुत मेहनत लगा। तो चलिए बताते हैं। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास लीगल का अगर आंसर की किसी के पास हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर ये नंबर पे डायरेक्ट मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9560929108। ये लिख लीजिए और लीगल का आंसर की जो भी आप सेंड कर सकते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा आगे। ठीक है, तो चलिए अभी कटअप बताते हैं। तो देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी जितना जो भी हम किए हैं इसके लिए एनालिसिस वो आपको बताते हैं। एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीट। तो नंबर ऑफ सीट आपका जो है लीगल का 54 है, जैसे एचआर का 56 था। स्टूडेंट कमेंट जो किए हैं ऐप पे, यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब कम्युनिटी पे हमने पोल कराया था, सोशल मीडिया पे जो पोल कराया था उस पे आप लोगों का जो आया हुआ है उस बेसिस पे, और कुछ स्टूडेंट जो हैं कमेंट्स करके भी अपने मार्क्स बताए हैं कैटेगरी के साथ, उस बेसिस पे एक लेवल तक पहुंचे हैं कि कट ऑफ बता सकते हैं। तो वो आपको अभी कट ऑफ बताने जा रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसे पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोगों का जो रिव्यू है, आपने जो कमेंट्स किया है उसी बेसिस पे बता रहे हैं कि अनरिजर्व का जैसे कट ऑफ है वो 132 to 137 जा सकता है। एचआर से थोड़ा कट ऑफ कम रहने का मुझे उम्मीद है। 132 पे मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, 137 पे इंटरव्यू के बाद का सिलेक्शन शायद लीगल में। हाँ, इंटरव्यू भी है ना, आई थिंक ऐसा। हाँ, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। ओके, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है वो 128 से लेकर 135 तक जा सकता है, 135। ओके, ओबीसी का कटअप जो है वो 132 135 जा सकता है। एससी का जो कटअप है 122 to 128 जा सकता है। और एसटी का जो कटअप है 118 118 से लेकर 123 तक कटअप जा सकता है। और पीडब्ल्यूडी में 90 से लेकर 98 तक कटअप जा सकता है। इसका रेंज ज़्यादा है इसलिए कि पीडब्ल्यूडी एससी, पीडब्ल्यूडी एसटी, पीडब्ल्यूडी जनरल, ओबीसी इसमें भी आते हैं। तो उसमें थोड़ा सा 10-12 मार्क्स का वैरी करता है सबके कटअप में। तो ये आपका कटअप हो सकता है। ओके, बाकी और भी स्टूडेंट जो भी होंगे आप लोग नीचे कमेंट्स करके अपना मार्क्स कैटेगरी के साथ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरे भी ब्रांच के जो स्टूडेंट है, मार्केटिंग सेल्स जैसे, उसके बारे में हमें अभी आइडिया नहीं है उतना। कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट, तो जो भी हो आप अपने मार्क्स के साथ आप कमेंट्स करेंगे ना। क्या आपको कमेंट्स में क्या करना है, अपना मार्क्स, अपना कैटेगरी और अपना डोमेन नॉलेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लीगल से हैं तो 137 मार्क्स आपने लिया, तो 137 अनरिजर्व से है तो अनरिजर्व, और उसके साथ लिखना है लीगल। तो इससे हमें समझ में आएगा। अगर 10-15 स्टूडेंट का भी अगर कमेंट्स आता है ना एक ब्रांच से, तो चीज़ें समझ में आती है कि कहाँ कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है,
और रिजल्ट की बात करें तो सेम चीज़ है, रिजल्ट बहुत जल्दी CIL का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, मतलब इसी मंथ में सितंबर लास्ट तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके 15 डेज बाद एक टाइम आपको मिलेगा जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू अगर आपका है तो वो होगा। ओके, इसके अलावा कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा, और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा कोल इंडिया से रिलेटेड उसको बारे में भी आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।